जी हाँ बोलो। मैं PhD का लोगों ने रिजल्ट निकाला है, रजिस्ट्रार ऑफिस में अभी लिखी है, बहुत बातें कर रही हम लोगों के साथ। मैं कुछ नाइंसाफी के खिलाफ यहाँ आके बैठा। आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं? देखिए सिर्फ हमारी डिमांड तीन है। हमारी सबसे पहले डिमांड ये है कि UGC की जब आपने टेस्ट कराने में UGC का रूल फॉलो किया, जिस तरह से आपने 50% पे क्वालिफाई कराया क्योंकि UGC कहती है, आपने रिसर्च मेथोलॉजी के 50% रखा क्योंकि UGC कहती है, उसी तरह से UGC भी कहती है कि हमारे जो प्रोफेसर हजरात हैं वो 8 PhD अपने अंडर में कराएंगे। उसके अलावा जो उनसे नीचे वो हैं एसोसिएट हैं वो 6 कराएंगे, असिस्टेंट जो हैं वो 4 कराएंगे। लेकिन इन लोगों ने अपनी नई चीज़ बना ली। इन लोगों ने कहा कि नहीं, प्रोफेसर हजरात 5 कराएंगे, एसोसिएट जो हैं वो 4 कराएंगे और असिस्टेंट जो है वो 3 कराएंगे, जो बिल्कुल सरासर UGC का धज्जियां उड़ाई जा रही है, मजाक बनाया। जैसे कि खबर है कि आप बात करने के लिए गए थे अंदर, जब आपने पहले मेरी पूरी बात नहीं हुई। पहली डिमांड तो ये है कि वो उस UGC ने जिस तरह से सीटें बनाई हैं उस तरह से ये कराए। दूसरी तो 1/3 सीटें इन्होंने अपने पास रखी हुई है, जो इन्होंने रिजर्व करके रखी है उसका कोई भी उसका वो नहीं है कि आप 1/3 सीटें अपने पास रखेंगे। और क्यों रखेंगे, इनका कोई रीज़न नहीं है, विदाउट रीज़न इन्होंने 1/3 सीटें अब भी अपने पास रखी है, उन्हें रिलीज़ करें। तीसरी डिमांड ये है कि जिस दिन से उस दिन जब इन्होंने 3-4 महीने पहले जब मंगाई थी PhD की सीट्स, तब से लेके अब तक बहुत सीटें खाली हुई हैं PhD समेत, वो सीटें भी कराएं। सीधी सीधी डिमांड है कि PhD की जितने भी सीटें इस वक्त मौजूद हैं UGC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, उन सब पे हमें एडमिशन चाहिए। आप जो आज मिलने गए थे तो यूनिवर्सिटी प्रशासन से आपकी किस तरह की बात हुई? देखिए बिल्कुल नाजायज बात कर रहे हैं वो लोग, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही का रवैया है। कंट्रोलर साहब कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वाइस चांसलर देखेंगे। OHD कहते हैं कि वाइस चांसलर फैसला लेंगे। प्रोक्टर कहते हैं कि वाइस चांसलर फैसला लेंगे। लेकिन सीधी सीधी बात है, वो कोई भी हमें जायज अभी तक उन्होंने कोई भी हमें जायज बात हमसे नहीं की, ना हमें कोई ऐसा आश्वासन दिया जिससे हमें ये लगे कि हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि हम UGC की बात को माने ना माने हमारी मर्जी, ऑटोनोमस बॉडी है। लेकिन अगर ऑटोनोमस बॉडी है तो आप कहाँ, जब स्टूडेंट के ऊपर थोप रहे हैं UGC, तो फिर UGC आपके ऊपर भी लागू होती है। अभी तक उन्होंने कोई वो नहीं कहा है, बोले हम कल बात करेंगे, 48 घंटे का हमने ब्रेक टाइम दिया था, अब फिर हम बैठे हुए हैं, अब हमने धरना लगा दिया है, अब हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। AMU छात्रों से आपकी कोई अपील? मेरी ये अपील है कि चाहे वो BA का स्टूडेंट हो, चाहे वो LLB का स्टूडेंट हो, चाहे वो MSc का स्टूडेंट हो, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में तालिबे इल्म है, वो ये देखे कि अगर PhD वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर वो उनके साथ नहीं आए तो कल जब उनके साथ होती है तो ये लोग उनके साथ नहीं जाएंगे। ये आपस की जो दूरियां इन लोगों ने बना दी हैं कि हम जाएंगे और हम लड़ेंगे, ये सब कुछ ख़त्म करके सब लोग एक साथ, हर तलबा, हर अलीग जिसके पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर है, वो यहाँ आके बैठे और इन्हें अपनी ताकत का एहसास कराए कि हम अभी ज़िंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। मेरी उनसे सिर्फ यही मुतालबा है और यही गुजारिश है कि खुदा कब्र के मुर्दों से नहीं मेरी मुराद, ये चलते फिरते जो मुर्दा है इन्हें ज़िंदा कर दे। अलीगढ़ ज़िंदा थी, ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। अगर आज हमें हमारा हक नहीं मिला तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में 5 साल हैं अभी, अगर आज आप अपना जायज़ हक नहीं ले पाए तो ये आपको इतना दबा देंगे कि आप अपना सर नहीं उठा पाएंगे। मजाक कर दिया यूनियन के साथ, मजाक कर दिया यूनियन देने, मजाक कर दिया PhD के टेस्ट में, मजाक कर दिया, जब चाहते टाल देते हैं। मेरी गुजारिश है कि हर स्टूडेंट हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाए। हमने कभी भी किसी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी है, आज भी अपनी नहीं लड़ते। आज भी मैं कहता हूँ कि अगर ये चाहें तो मुझसे पहले लिखवा लें कि मुझे एडमिशन नहीं चाहिए। ये उन लोगों को दे जो जायज़ जिनके हक है, क्यों छुपा रहे हैं? सीटें किसके लिए बचा रहे हैं? UGC के गाइडलाइन किसके लिए मान रहे हैं? हमने हर स्टूडेंट की लड़ाई लड़ी है, हर तलबा की लड़ाई लड़ी है, अब हमारा हक बनता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हर तलबा हमारे साथ आकर खड़ा हो, साने साना मिलाए और PhD वालों को उनका हक। शुक्रिया।